आई थिंक इट्स टाइम टू फायर योर कोच। प्रणाम भाइयों और बहनों, आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बट मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए गौरव तनेजा सर के बारे में। हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं अबाउट हिज गायनो, दैट इज हिज ब्रेस्ट टिश्यू, जो कि हमें इस वाली स्टोरी में अराउंड नवंबर और इस वाली फोटो में अराउंड फरवरी मार्च देखने मिला था। देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज प्योरली फॉर इन्फॉर्मेशन। आप लोग ये मत समझना कि मैं गौरव सर के अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ या उनका मजाक बना रहा हूँ। आई लव एंड रेस्पेक्ट हिम अलॉट, मैं उनसे मिला भी हूँ, बातें भी करी हैं हमने, सो इट्स ऑल गुड। अगर आपको भी मेरी तरह फ्लाइंग बीस्ट पसंद है तो एक लाइक तो बनता है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेल बूब्स क्या होते हैं, और जो गौरव सर को है, क्या हम उसको मेल बूब्स कहेंगे, और क्या आपको मेल बूब्स हैं। हम आज ये सब समझेंगे। अभी जो टर्म है ना, मैन बूब्स, ये टर्म जनरल पॉपुलेशन द्वारा बनाया गया, आम लोगों द्वारा बनाया गया है किसी भी ऐसे मेल के लिए जिसकी चेस्ट फेमिनिन लगती है, यानी कि बाहर को निकली हुई लगती है, उसे जनरली लोग मेल बूब्स कह के संबोधित करते हैं। अब जो टर्म है मैन बूब्स, इसके दो सबसेट्स हैं, यानी कि दो कारणों के चलते आपकी चेस्ट इस तरह से बाहर आती है। पहला है जब आपकी बॉडी में ओवरऑल बहुत फैट होता है। अब जब पूरी बॉडी में फैट है तो ऑब्वियसली बात है कि चेस्ट पर तो होगा ही, और चेस्ट पर फैट होने के कारण वो नॉर्मल नहीं लगती है, थोड़ा सा बाहर को निकली हुई लगती है, एंड दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। जब आप अपने शरीर पे के फैट को लूज करते हैं ओवर द टाइम, तो धीरे धीरे आपकी चेस्ट की शेप वापस आ जाती है। हाँ, कुछ केसेस में जब बहुत ज़्यादा फैट होता है बहुत लंबे टाइम के लिए, तो ऐसे में हमारी स्किन स्ट्रेच हो जाती है, और तब जब हम फैट लूज करते हैं तो हमारी स्किन लटक जाती है, जिसे हम लूज स्किन भी कहते हैं। आपको लूज स्किन यानी कि लटकी हुई स्किन से भी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें भी आपको ऐसा कुछ चिंता करने की बात नहीं है। जब आप अपनी बॉडी में फिर से मसल मास को ऐड करना शुरू करोगे, जैसे जैसे आपकी चेस्ट का साइज बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ मसल, तो धीरे धीरे आपकी लूज स्किन फिर से शेप लेना शुरू कर देगी अराउंड दैट मसल जो डेवलप हो रहा है। सो उतना बुरा नहीं लगेगा ओवर द टाइम, जब आप मसल बिल्ड कर लेंगे थोड़ा। बट हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम उस सिचुएशन में पहुंचे ही नहीं जहां पर आगे चल के हमें लूज स्किन का सामना करना पड़े। इसलिए अगर आप ओबीज हैं तो वेट मत करिए, और अभी से शुरू करिए अपनी फैट लॉस जर्नी। तो अब हम आ जाते हैं गौरव तनेजा सर पर। तो जो गौरव सर को है वो चेस्ट फैट नहीं है, देखिए, दैट इज गायनेकोमेस्टिया, जो कि होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। इसमें एक लंप सा फॉर्म होता है आपके निपल्स के नीचे, कॉइन शेप्ड होता है, जेली लाइक, जिसको अगर आप टच करेंगे तो उसमें आपको सेंसेशन फील होगी। ये कंडीशन जो है जो गौरव सर की है, दैट इज टोटली डिफरेंट जो चेस्ट फैट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई उससे। इस कंडीशन के होने के कारण अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो हैं हार्मोनल लोचा। अब हार्मोनल लोचे भी दो तरह के होते हैं, एक प्यूबर्टी के टाइम जो अपने आप होता है, दूसरा जो आप खुद से करते हो बाहर से हार्मोन्स को इंजेक्ट करके। अब प्यूबर्टी के समय कुछ लोगों को गायन हो जाता है बिकॉज देयर बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन, और वहीं जब उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता बॉडी द्वारा, तो जो एक्सेस होता है उसको बॉडी कन्वर्ट कर देती है इन ईस्ट्रोजन थ्रू एरोमेटेज एंजाइम, और वो ईस्ट्रोजन जो टेस्टोस्टेरोन के कन्वर्जन से बना है थ्रू एरोमेटेज एंजाइम, वो अब काम करता है आपके ब्रेस्ट टिश्यूज को डेवलप करने का, दैट इज आपको गायनो देने का एक्सेस ईस्ट्रोजन। देखिए, अगर आपको प्यूबर्टी से गायनो हुआ है तो उस केस में आप एज एन इंडिविजुअल तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपका दोष नहीं है। यूजुअली जब आपका हार्मोनल प्रोफाइल जो है वो बैलेंस में आता है आगे चल के, और आपकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे वो टाइम के साथ क्योर हो जाता है। इस केस में अगर आप हैं और आपको ये चीज़ बॉदर कर रही है, लाइक जो प्यूबर्टी जो टीनेज वाला गाइनो है वो आपको बॉदर कर रहा है, तो आई एडवाइज यू टू गो सी अ डॉक्टर, क्योंकि आपकी कंडीशन के हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा आपको एक डॉक्टर ही बता सकते हैं। कुछ केसेस में जहां पर फिजिशियंस ये ऑब्जर्व करते हैं कि ग्रोथ थोड़ी अबनॉर्मल है ड्यूरिंग टीनेज आपके ब्रेस्ट टिश्यूज की, वहां पर वो टेमोक्सिफेन भी रिकमेंड करते हैं। अब टेमोक्सिफेन क्या करता है, ये रोकता है आपके रिसेप्टर्स को ईस्ट्रोजन से बाइंड होने से, सो ये देन एंड देयर फर्दर ब्रेस्ट टिश्यू के डेवलपमेंट को रोक देता है। माइंड में, ये ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को नहीं रोकता बट बॉडी को प्रिवेंट करता है ईस्ट्रोजन से रिस्पॉन्ड करने से। क्लियर? तो अगर आप टीनेज में हैं, ऐसी प्रॉब्लम में हैं, तो मेरी वीडियो देख करके आपको डायरेक्टली टेमोक्सिफेन पर नहीं जंप करना है, डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है? और हाँ, एक और बात बड़ी ध्यान से सुनो, अगर आपको प्यूबर्टी इंड्यूस्ड गायनो की प्रॉब्लम है तो यू आर प्रीडिस्पोज्ड टू हैविंग गायनो इन द फ्यूचर, अगर आप चीज़ों को प्रोफेशनली ले जाते हो तो, यानी कि आगे चल के अगर आप परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स का यूज करते हो तो यू आर मोर प्रोन टू हैविंग गायनो देन अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि यू आर प्रीडिस्पोज्ड। सो कीप दैट इन माइंड। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है गायनो होने का, दैट इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, यानी कि हार्मोनल लोचा जो कि खुद से नहीं हुआ बल्कि आपने बाहर से हॉर्मोन्स इंजेक्ट करके किया, और गौरव सर के साथ यही वाला केस है। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गौरव सर
प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रहे हैं, प्रोफेशनली वो स्टेज कॉम्पीट करते थे, दैट मीन्स ऑब्वियसली उन्होंने परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स को यूज़ किया हुआ है। बट हियर इज द कैच, जब जैसे आपको गायनो होता है प्यूबर्टी इंड्यूस्ड, तो वहाँ पर जो मेजर रोल प्ले करता है वो आपका ईस्ट्रोजन करता है। बट इस केस में जहाँ पर आप जिम्मेदार हैं अपने गायनो के, यानी कि आपने छेड़खानी करी, हॉर्मोन्स इंजेक्ट किए बाहर से, तब आपको गायनो हो रहा है, उस केस में ईस्ट्रोजन के साथ कई और हॉर्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों का खेल होता है। इस केस में कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट के लिए, वो डिपेंड करेगा द टाइप ऑफ कंपाउंड यू आर यूजिंग एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप बेसिक सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन के साथ खेल रहे हो तो हाई चांसेस हैं कि अगर आपको गायनो होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर ऑन सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन और आपको गायनो हो जाता है, इन सम केसेस जहां पर चीज़ें गड़बड़ जाती हैं, अगर इस केस में सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन वाले केस में चीज़ें गड़बड़ होती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो खेल होगा वो होगा आपके ईस्ट्रोजन का। अगर हाईली एंड्रोजेनिक कंपाउंड्स के साथ आप खेल रहे हैं लाइक ट्रेनबोलोन एसीटेट, तो उस केस में जो आपका ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट होगा उसमें आपका मेजर रोल प्ले करेगा प्रोलैक्टिन। इन दिस केस जब हाईली एंड्रोजेनिक कंपाउंड्स आप यूज करते हैं एंड व्हेन थिंग्स गो वेरी रॉन्ग, तो मेन इवन स्टार्ट लैक्टेटिंग, ट्रेंड पे ऐसा देखा गया है। अगर आप ग्रोथ हार्मोन के साथ खेलते हैं फिर आपको गायनो होता है, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन द हैंड्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन वहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब लुकिंग एट गौरव सर, मैं ये नहीं बता सकता कि कौन से कंपाउंड से उनको गायनो हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास उनका ब्लड रिपोर्ट नहीं है हाथ में, और ऐसे आप देख के नहीं बता सकते किसी भी चीज़ को। बट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक एजुकेटेड गेस मार सकते हैं चीज़ों को देखते हुए, किस पैटर्न में चलती आ रही हैं और उनको रिलेट करते हुए एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। अब जैसे यहाँ पर मैं इनके पिछले साल की अगस्त की फोटो देख रहा हूँ, तो यहाँ पर इनके पास डिसेंट मसल मास है बट फैट भी है बॉडी पर अच्छा खासा, एंड आई कैन से दैट एट दिस पॉइंट इन्होंने अपना प्रोटोकॉल में भी शुरू कर दिया, क्योंकि ही इज़ होल्डिंग गुड मसल मास। अक्टूबर में ही हैज़ गॉट लीनर, बट अभी गायनो के साइंस तो नहीं नज़र आ रहे। फिर नवंबर में एक स्टोरी डालते हैं जहां पर इनका गायनो क्लियरली विजिबल था व्हेन ही वाज फ्लेक्सिंग हिज चेस्ट, यानी कि ये इसी के आसपास की बात है। एंड एट दिस पॉइंट अगर आप इनको देखें, ही इज वेरी लीन, इनके एब्स भी सॉर्ट ऑफ विजिबल हैं। और गायनो का क्या है ना कि जितना आपका बॉडी फैट कम होता जाएगा ना, उतनी उसकी विजिबिलिटी और अच्छी होती जाएगी, उतना और विजिबल होगा आपका गायनो। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट है तो फैट की आड़ में गायनो में भी छुप जाए, पता ना चले कि हो रखा है गायनो को मेंस्टे। बट अगर आप लीन हैं, कम बॉडी फैट पर हैं, तो दिखाई देगा, अलग से चमक करके आएगा। फास्ट फॉरवर्ड टू फरवरी 2022, क्योंकि उसके पहले इन्होंने कोई ऐसी फोटो नहीं डाली जहां पर प्रॉपर इनका चेस्ट जो है वो विजिबल हो, ताकि हम देख के बता पाएं। सो फरवरी 2022 में ऐसा लग रहा है कि इनका गायनो कम हुआ है, बट प्रश्न यहां पर यह है कि क्या सच में कम हुआ है या फिर इसमें कैमरा एंगल का कमाल है। मार्च की स्टार्टिंग में भी इट इज़ नॉट दैट विजिबल टू बी ऑनेस्ट, बट एंड ऑफ मार्च में ये एक फोटो डालते हैं जहां पर इनके लेफ्ट चेस्ट पर गायनो इज क्लियरली विजिबल। अब इनके पैंट और जूतों से आइडिया लग जाता है कि मार्च के स्टार्टिंग की फोटो और एंड की फोटो दोनों एक ही दिन ली गई थी। बस अंतर इतना है कि इनका गायनो तभी विजिबल होता है जब ये अपनी चेस्ट को फ्लेक्स करते हैं, तो इनका चेस्ट का मसल मास जो है वो ऊपर आ जाता है और गायनो वहीं का वहीं लटका रह जाता है, सो वो दिख जाता है। दिस मीन्स कि इनको नवंबर से मार्च तक गायनो था, जून में भी था, क्योंकि इस फोटो में आप देख सकते हैं ही इज अटेम्प्टिंग टू हाइड इट, कांट से एनीथिंग श्योरली, बट अगस्त 2022 में भी इट इज देयर। उतना ही है या कम हुआ है इसका आइडिया नहीं, बट है। अब देखो भाई, अकॉर्डिंग टू मी इनके केस में जो मेजर हाथ है वो है ईस्ट्रोजन का, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कि वो किसी साइकिल पर गए थे। अब देखिए, ऐसा मेरा मानना है, मतलब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा, दिस इज़ वॉट आई फील। उसके कारण मैं अभी आपको बताता हूँ। मे बी वो एनहेंस्ड टीआरटी पर गए हों, जो कि थेरापेटिक डोज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और उस थेरेपी वाले पीरियड के दौरान मे बी प्रॉपर मैनेजमेंट ना कर पाए हों वो, इस वजह से उनको गायनो हो गया। प्रॉपर मैनेजमेंट का मतलब इनको AI यानी कि एरोमेटेज इनहिबिटर्स का प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि अब इनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, इनका जो लाइफस्टाइल पैटर्न है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी व्हेन ही यूज्ड टू कॉम्पीट। और अभी इनका जो है रूटीन ऊपर नीचे है, कभी भी सोते हैं, सोते भी हैं या नहीं सोते हैं, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना टेंड टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एरोमेटेज एंजाइम। ऐसे में क्या होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन जो है वो बढ़ जाता है ईस्ट्रोजन में, और इसीलिए एरोमेटेज एंजाइम शुड बी स्टॉप्ड बाय द यूज ऑफ एरोमेटेज इनहिबिटर्स जैसे ही आपका गायनो हल्का सा भी नोटिस में आए वैसे। सो ये गायनो हुआ है ड्यू टू इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ड्यूरिंग हिज टीआरटी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, क्योंकि साइकिल पे जाने का उनके पास कोई कारण नहीं है। अगर मैं खुद को भी उनकी जगह रख के देखूं तो मैं साइकिल पे क्यों जाऊंगा, मैं क्यों जाना चाहूंगा साइकिल पर, स्पेशली तब जब मुझे स्टेज पर नहीं जाना, और जब मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया और मुझे मालूम है कि
वापस से टीआरटी पर आने पर भी और बाकी चीजें ट्रेनिंग और डाइट प्रॉपर करने पर भी मेरा सारा मसल मास फट से चला आएगा बिकॉज ऑफ मसल मेमोरी, तो मैं क्यों जाऊंगा साइकिल पर? अब इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, देखिए ये गौरव सर भी अच्छे से जानते हैं, मतलब ही इज नॉट समवन हु इज वेरी एमेच्योर, ही नोज हिज स्टफ। उन्होंने अपनी वीडियोस में भी नॉर्वाडेक्स और टमेक्सोफिन के बारे में बताया था उसी टाइम पर। पीपल लाइक टू कपल एरिमिडेक्स विद नॉल्वा नॉर्वाडेक्स। तो नॉर्वाडेक्स क्या काम करता है, जो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन है वो जाके आपके रिसेप्टर से, इफ दिस इज एस्ट्रोजन एंड दिस इज अ रिसेप्टर, रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। तो नॉर्वाडेक्स फॉर्म्स अ लेयर अराउंड योर रिसेप्टर और आपके एस्ट्रोजन को योर रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं होने देता। टेमोक्सिफेन और नॉल्वा एक ही है, नॉल्वा जो है वो इसका मार्केट में जिस नाम से बिकता है वो है नॉल्वा नॉर्वाडेक्स। अभी और भी कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं मार्केट में जो कि चल रहे हैं, जैसे कि नॉल्वा से आपका बेटर है रिलैक्सोफिन। रिलैक्सोफिन क्या है, ये एक सर्म है यानी कि सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, ये आपके ईस्ट्रोजन को मिमिक करता है एक तरह से। आसान भाषा में बताऊँ तो ये आपके ईस्ट्राडायोल के फीडबैक को रोकता है जिससे कि बॉडी में और एलएच बनता है, सिग्नलिंग मोर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन अल्टीमेटली। बाय द वे दिस हेल्प्स रिड्यूस द गायनो इफेक्ट। देखिए ये सब रिवर्सल के प्रोटोकॉल एक तरफ, बट वही बात है सबकी प्रायोरिटी अलग अलग है। माइट भी गौरव सर की प्रायोरिटी ना हो इस टाइम पर गायनो को क्योर करना बिकॉज ही इज नॉट अर्निंग फ्रॉम हिज फिजिक एनी मोर, मतलब प्राइम सोर्स ऑफ इनकम इनका फिजिक नहीं है इस टाइम पर। मे बी है, लेकिन काम चलाओ भर की तो फिजिक वो मेंटेन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको मतलब वही दिखाते रहना है 24/7। अब इस गायने वाली सिचुएशन में कई सारे एमेच्योर्स पड़ जाते हैं ड्यू टू पीडी यूज, और उनके मन में सोशल मीडिया से ये बैठ जाता है कि जो ईस्ट्रोजन है वो तो बहुत खराब चीज़ है, वो तो होनी ही नहीं चाहिए बॉडी में। तो जब लोगों को गायनो हो जाता है ऐसे लोगों को, और या फिर वो सब जब साइकिल स्टार्ट करते हैं तो वो ईस्ट्रोजन ब्लॉकर्स भी चला देते हैं साथ में कि ईस्ट्रोजन तो चाहिए ही नहीं हमको, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग। ईस्ट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, कई सारे बॉडी के फंक्शंस हैं जो ईस्ट्रोजन के बिना नहीं होते, हमें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम मेल्स हैं तो हमें ईस्ट्रोजन नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ईस्ट्रोजन चाहिए बट इन लिमिटेड क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं, कम क्वांटिटी में चाहिए बट इट इज़ नीडेड। बिफोर यू टेक एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन आप एक बार अपना टेस्ट तो करा के देखो, एक बार लेवल्स तो चेक करो ईस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन प्रोजेस्टेरोन इन सब के, तब तो आपको मालूम पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ पर है, और फिर उस दिक्कत को सॉर्ट करो और फिर उस दिक्कत पर एक्ट करो अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ योर कोच और योर डॉक्टर, समझे? कई लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन आपको जब गायनो हो जाता है, तो पार्टली उनकी बात सही भी है। देखिए कंप्लीटली आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे, हाँ विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, दिखाई नहीं देगा बट वो वहां पर रहेगा, लेकिन इन माई ओपिनियन जो गौरव सर का गायनो है वो भी उतना बड़ा नहीं है। दिस इज लाइक ग्रेड वन ग्रेड टू गायनो जो कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा विदाउट सर्जरी अगर प्रयास किया जाए तो, बट हाँ अगर यही गायनो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 होता तो सर्जरी की तरफ जाना पड़ता, उस स्टेज पर पहुंच करके रिवर्स करना पॉसिबल नहीं हो पाता। गौरव सर का एक वीडियो था मुझे याद है जिसमें उन्होंने कहा था फायर योर कोच इफ़ यू हैव गायनो। अब लोग ये आज की इनकी फोटो देख रहे हैं और वो वाली वीडियो देख रहे हैं और इनके ऊपर चढ़ रहे हैं सबके सब, तुमने कैसे बोल दिया ये, आज देखो खुद गायनो लेके बैठे हो। बट यार देखो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, हमें नहीं पता कि क्यों हुआ गायनो टू अ पर्सन हु एक्चुअली नोस हिज स्टफ। मे बी कुछ और एकदम ही डिफरेंट रीजन हो हमें जिसका बिल्कुल भी आइडिया ना हो, कुछ डिफरेंट सेट्स ऑफ कंपाउंड्स यूज हुए हों, कुछ डिफरेंट सेट, कोई भी रीजन हो सकता है यार, मे बी वी आर टोटली अनअवेयर। बट एनीवेज दिस वॉज प्रिटी मच इट, आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना ज़रूर, और आप भी अगर कुछ ऐड करना चाहो इसमें या आपका कुछ राय हो आपकी तो गो अहेड, एंड बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे हर जगह पर फॉलो करिए। दैट्स इट, मिलते हैं, बाय बाय।